नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पार्टी सिंबल पर होंगे नगर निगम चुनाव, मेयर पद में ओबीसी को भी आरक्षण। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 1000 से कम नहीं होगा चालान। नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को सीट आरक्षित। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 22 और डीएसपी के 4 पदों सहित भरे जाएंगे 27 पद। हिमाचल में एसएमसी अध्यापकों को एक्सटेंशन, शहीद के नाम पर होगा राजकीय वरिष्ठ पाठशाला मनोह का नामकरण। दिशा की बैठक में बोले अनुराग ठाकुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देरी से हमारी गवर्नेंस पर खड़े हुए सवाल। एचआरटीसी कंडक्टर लिखित परीक्षा का रिजल्ट आउट, 23 मार्च से होगा मूल्यांकन। सोलन के बड़ोग रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा डिब्बा, स्टेशनों को पानी लेकर जा रही थी ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में प्रस्तावित 4 नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, मंडी व सोलन के चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे। आज यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने पर मुहर लग गई है। कैबिनेट मंजूरी के बाद अब आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अब मेयर पद के लिए ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट ने हिमाचल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 और हिमाचल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक्ट 2002 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में अब हिमाचल में सड़क नियमों के उल्लंघन पर 1000 से कम चालान नहीं होगा। प्रदेश कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां पहले सीट बेल्ट का चालान न्यूनतम 100 रुपए था, अब सीधा 1000 रुपए हो जाएगा। इसी नो पार्किंग का अधिकतम चालान 500 तक होता था, अब चालान की राशि 1000 रुपए से शुरू होकर 25000 रुपए तक की होगी। कैबिनेट ने प्रदेश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों में 27 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल पुलिस विभाग में डीएसपी के 4 पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 2 पद, अभियोजन विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 12 खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने, उद्योग विभाग के जियोलॉजिकल विंग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 8 पद व श्रम एवं रोजगार विभाग में सहायक निदेशक कारखाना रसायन का 1 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति दी गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 2555 एसएमसी अध्यापकों को 1 वर्ष की एक्सटेंशन भी प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में आज 1 वर्ष की एक्सटेंशन के लिए मुहर लगी। जिला हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ पाठशाला मनोह का नाम शहीद अंकुश ठाकुर के नाम पर रखने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद अभिभाषण को मंजूरी प्रदान की गई।
बता दें कि 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आरंभ होगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसे दिशा कहा जाता है, की बैठक आज धर्मशाला में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। इसके अलावा सांसद किशन कपूर भी बैठक में वर्चुअली तरीके से जुड़े। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाकी देश के औसत के हिसाब से हम देखते तो हमें काफी कम पैसा मिलता, लेकिन हमने खुद हस्तक्षेप किया और ज्यादा पैसा दिलवाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने बजट आवंटन के प्रोसेस को भी तेजी से खत्म किया है। अगर 12 साल के बाद भी हम काम शुरू नहीं करते तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी गवर्नेंस पर और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर खड़ा हो जाता। डीएफओ ने दिशा मीटिंग में ये बताया कि देहरा यूजर एजेंसी का नाम भी अब बदल दिया गया है। यूजर एजेंसी का नाम बदलने का काम 22 फरवरी को ही पूरा हो चुका है। बैठक में ये बताया गया कि यूजर को लेकर प्रस्ताव गलती से पहले देहरादून भेज दिया गया था, लेकिन दरअसल इसे वन मंत्रालय दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। दिशा बैठक में जानकारी दी गई कि गलती से प्रस्ताव देहरादून चला गया था, इसे फिर वन मंत्रालय दिल्ली भेजा गया था। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने कंडक्टर भर्ती पोस्ट कोड 762 लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 1882 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए सफल हुए हैं। ये 568 पद HRTC में भरे जाने हैं। पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 18 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 43,996 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। आज लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। कंडक्टर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 15 नंबर का मूल्यांकन 23 मार्च से 17 अप्रैल तक सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में होगा। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हिमाचल के जिला सोलन के बड़ोग रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह शिमला की ओर जा रही रेलगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इस हादसे में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि ये ट्रेन रेलवे स्टेशनों के लिए पानी लेकर जाती है, साथ ही ट्रेन में रेलवे कर्मचारियों के लिए डिब्बा रिजर्व होता है। जब ट्रेन बड़ोग रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कर्मचारियों के लिए लगा डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। डिब्बे की पटरी से उतरने से अफरा तफरी मच गई। इसमें अभी कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।